मेरा नाम दीपक है। मुझे यह नाम मेरी माँ ने दिया था। आज मेरी माँ जिंदा तो नहीं है, पर उनकी सिखाई हर बात मुझे याद है। वो मुझे हमेशा कहती थी, बेटा तुम इस दुनिया की खूबसूरती को देख तो नहीं सकते, मगर इसे महसूस जरूर कर सकते हो। आज मैं पूरे दिल से इस खूबसूरती को महसूस करता हूं। ये पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का चहकना और खेलते बच्चों की किलकारियां मुझे खुशी से भर देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि दिल से भी महसूस कर इसका आनंद लिया जा सकता है। पर दौड़ती गाड़ियों के हॉर्न से अक्सर मैं सहम जाता हूं, मगर इन तमाम परेशानियों के बावजूद मेरा एक सुकून है, मेरा नन्ना सा दोस्त मोक्षित। वो मुझे हमेशा यकीन दिलाता है कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं, वो भी मेरे साथ है। अबे बुड्ढे अंधा क्या, देख के नहीं चल सकता क्या? अबे बुड्ढे, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी। अरे अंकल, दिखता नहीं है क्या? देख के चला करो रोड पे। अरे अंकल, आपको तो सच में दिखाई नहीं देता। जब निकलो घर से तो किसी को साथ लेके निकला करो। आओ मैं आपको रोड के किनारे छोड़ दूं। आज मेरी आंखें होती तो मैं भी इन बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलता, इनके साथ दौड़ता हाफता। पर अब हर पल मुझे यह भय सताता है कि मैं गिर ना जाऊं, किसी से टकरा ना जाऊं।
अब इस शमशान की शांति से मैंने अपना दिल बहलाना सीख लिया है। यहां मुझे कोई परेशान नहीं करता। ये जगह मुझे सच्चाई से रूबरू करवाती है कि इंसान कितनी भी भाग दौड़ कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, पर मरने के बाद सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और उन्हीं कर्मों को दुनिया याद करेगी। यही जीवन की सच्चाई है। मेरी माँ दुनिया से जाते जाते भी मुझे एक मंत्र दे गई कि बेटा, कभी भी किसी के मार्ग में बाधा मत बनना और दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझना। और उसी मंत्र पर आज मैं कायम हूँ। Thank you.